हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 5 और 6 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 4 तक हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 5 क्या है हमारा। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमें दो आकृति यानी कि आलेख दिए गए हैं और दोनों आलेखों में हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें उसमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों, पहली आकृति हम करते हैं, तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए अब इसको करने का तरीका क्या है कि दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जो हमें पहली आलेख यानी आकृति जो दी गई है उसमें तीन निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमें पता है कि जो निर्देशांक होता है उसमें पहला जो संख्या होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो y होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पहला इसमें ऑप्शन है, मान लीजिए ये है y बराबर x, इसको हमें देखना है, चेक करना है कि ये इस आलेख के लिए क्या सही समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तीनों निर्देशांकों में जो x और y का मान है उसको इनकी जगह पे हम रखेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो फिर पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा इस आलेख के लिए, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए इसमें पहला निर्देशांक हमें क्या दिया गया है, -1 और 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमें पता है पहला x होता है दूसरा y होता है, तो यहाँ पर हम y क्या इतना है हमारा, देखिए 1 है तो y की जगह 1 लिखते हैं, बराबर x कितना है -1 है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ये बराबर है या नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। अब हम दूसरा इसमें ऑप्शन चेक करेंगे, समीकरण क्या है दूसरा हमारा, x + y = 0 ये है। अब इसको हम चेक करते हैं, तो देखिए इसमें हमें क्या पहला निर्देशांक दिया गया है, -1 और 1, तो x का मान कितना है -1 और y का 1, तो देखिए ये x की जगह पे -1 लिखेंगे और y की जगह पर 1, बराबर कितना है ये 0, तो -1 + 1 कितना हो जाता है ये 0 = 0। तो पहला निर्देशांक को रखने पर दूसरे ऑप्शन में ये तो 0 0 आ गया। अब इसी तरह से इसका दूसरा जो निर्देशांक है उसको भी रख के हम चेक करेंगे, तो दूसरा निर्देशांक क्या है दोस्तों हमारा, 0 और 0 ये है। तो अब हम इसी ऑप्शन में यानी इसी समीकरण में अब इनका मान रखेंगे, तो x बराबर कितना है 0 और y बराबर भी कितना है 0, बराबर ये कितना है 0, तो देखिए 0 + 0 = 0 ही आएगा, बराबर 0, यानी दूसरा ऑप्शन भी यानी दूसरा निर्देशांक भी इसमें सही है। अब तीसरा इसमें लास्ट है जो कि कितना है दोस्तों निर्देशांक हमारा, 1 और -1, अब इसको हमें चेक करना है इसी ऑप्शन में। तो देखिए x कितना है इसमें 1, तो x की जगह पे लिख देते हैं 1 + y कितना है -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, बराबर ये कितना हो जाएगा 0 है, तो ये देखिए 1 + -, और ये 1 = 0, 1 - 1 = 0 = 0। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि दूसरे ऑप्शन में यानी इस समीकरण में तीनों निर्देशांकों को रखने पर हमारा 0 0 आ जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है x + y = 0, ये इस आलेख के लिए सही समीकरण है। तो इसका अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है ये दोस्तों रफ कार्य है, यहाँ से हम इसको फेयर ऐसे लिखेंगे आंसर इसका कि x + y = 0 दिए गए आलेख के लिए सही समीकरण है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लिखा और इस तरह से हमारा इसमें पहली आकृति का हल हुआ। अब चलिए करते हैं इसका दूसरी आकृति। तो दोस्तों दूसरी आकृति में जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें हमें इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला ऑप्शन चेक करते हैं जो कि क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर हम रफ कार्य कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, y = x + 2, ये हमें पहला ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें निर्देशांक पहला क्या है हमारा, वो देख सकते हैं आप, -1 और 3, ये पहला हमारा जो है निर्देशांक। अब इसमें हम इनका मान रख के इसको देख लेते हैं, तो क्या है y का मान कितना है 3, तो 3 बराबर ये x यानी कि -1 + 2,
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि तीन बराबर ये माइनस प्लस, माइनस होता है तो दो में से एक घटेगा, ये बचेगा एक, तीन बराबर ये एक, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। अब इसमें हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो दोस्तों दूसरा समीकरण क्या है, वाई बराबर एक्स माइनस दो। तो यहाँ पर हम पहले निर्देशांक को रख के देखते हैं, माइनस एक है, x का मान और y का मान तीन, तो y का मान पहले तीन बराबर x का मान माइनस एक माइनस ये दो, तो तीन बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस तीन, तो तीन बराबर माइनस तीन क्या बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब इसका हम तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो कि क्या है हमारा, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस दो, ये समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर ये x का मान इसमें माइनस एक और y का मान तीन है, तो y बराबर पहले तीन बराबर माइनस एक्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस एक प्लस दो, तो तीन बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो एक प्लस दो कितना हो जाएगा, तीन, तो तीन बराबर तीन। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला निर्देशांक तीसरे समीकरण में रखने पर ये बराबर आ जाता है। अब इसका दूसरा निर्देशांक भी रखकर इसमें हम देख लेते हैं, तो दूसरा निर्देशांक क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने इस आकृति में कि जीरो और दो है, ये दूसरा निर्देशांक है, तो इसमें हम रख देते हैं वाई यानी कि दो बराबर माइनस और फिर एक्स का मान जीरो है प्लस दो, तो ये दो बराबर माइनस जीरो प्लस दो कितना आएगा, दो ही आएगा, तो दो बराबर दो, यानी कि दूसरा इसमें निर्देशांक भी सही है। अब इसका तीसरा निर्देशांक चेक कर लेते हैं जो कि दो और जीरो है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि ये y का मान कितना है, जीरो बराबर माइनस और x का मान दो फिर कितना है प्लस दो, तो यहाँ से ये जीरो बराबर माइनस प्लस माइनस, तो दो माइनस दो जीरो, यानी जीरो बराबर जीरो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है तीनों ही निर्देशांकों को रखने पर तीसरे समीकरण में सही आ रहा है, तो यानी कि हमारा इसमें तीसरा जो समीकरण है वो सही है दूसरे आलेख के लिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये तो हो गया दोस्तों रफ कार्य, यहाँ से इसमें लिखेंगे तीसरा जो समीकरण है वो इसके लिए सही है, तो लिखेंगे y बराबर माइनस एक्स प्लस दो दी गई आकृति के लिए सही समीकरण है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर एक के दोनों भागों का हल होता है। अब चलिए इसका छठा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 हमें क्या दिया गया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरा है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं इस प्रश्न में। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है लेकिन समझ गए तो बहुत ही आसान है, इसलिए इसको ध्यान से जरा समझिएगा। इसमें 2-3 नए शब्द हैं जैसे कि अचर बल हो गया, इसके अलावा जो अनुक्रमानुपाती शब्द हो गया, ये कुछ नए वर्ड हैं। तो दोस्तों अचर बल का मतलब है कि जो कभी बदले ही ना, जिसका मान बदले ही ना, जैसे अचर संख्या होती है वैसे ही। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे बल बढ़ रहा है तो इसी के साथ कार्य भी बढ़ेगा, यानी एक चीज के बढ़ने पर दूसरा भी उसके अनुपात में ही बढ़ता जाए, इसी को हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं। देखिए तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है अचर बल, अब हमें ये नहीं दिया गया कि वो कितना है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना अचर बल। तो दोस्तों क्या मानेंगे अचर बल को, हम उसको मान लेते हैं W, आप कुछ भी मान सकते हैं, X, Y, Z, A, B, C कुछ भी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर W मान लेते हैं। इसी तरह से कार्य को भी मान लेते हैं हम, मान लीजिए कार्य Y और दूरी भी दिया गया है तो दूरी को मान लेते हैं हम यहाँ पर X। तो इस तरह से हमने तीनों को मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको सूत्र पता होगा कि कार्य बराबर बल गुणा दूरी होता है, ये फॉर्मूला होता है कार्य ज्ञात करने का। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, अगर कार्य बराबर बल गुणा दूरी है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कार्य हमने क्या माना है, y बराबर बल कितना है W और दूरी कितना है x, तो W गुणा x हो जाएगा, y बराबर W गुणा x।
तो ये एक हमारा इस तरह से बन गया समीकरण। अब देखिए इसको अगर आगे हम हल करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण में अचर बल 5 रखने पर, अब 5 क्यों रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमें दिया गया है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, तो हमें 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण में अचर बल 5 रखने पर। तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये y है तो इसको तो y ही लिखेंगे बराबर, और यहाँ पर w हमने क्या माना है, बल यानी अचर बल, तो अचर बल हमें कितना लेना है 5 और ये x है तो x को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये समीकरण बन जाता है y बराबर 5x। अब हमें आगे प्रश्न में कहा गया है कि इसका एक आलेख खींचिए, तो दोस्तों आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दिए गए समीकरण के दो हल ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण बन गया, अब इसका आलेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो इसके हल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से एक यहाँ पर सारणी बनाया और ये हमारा x हो जाएगा और ये y, और यहाँ पर हम दो हल ज्ञात कर लेते हैं। आप चाहे तो तीन हल भी ज्ञात कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे दो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान हम यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो x का मान 1 माना तो 5 गुणा 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 एकम 5। तो दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा हल ज्ञात कर लेते हैं, मान लीजिए इस बार x का मान हम मान लेते हैं 0, आप कुछ और भी मान सकते हैं, तो x का मान अगर 0 मानते हैं हम तो y का मान कितना आ जाएगा, अब 0 का 5 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, यानी x बराबर 0 माना हमने तो y बराबर भी 0 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे दो हल ज्ञात हुए। अब इसका हमें आलेखीय निरूपण करना है, तो इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया है, इसका हमने पहले से ही नंबरिंग कर लिया है ताकि आपका ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। तो इसलिए इसमें जो पहला हमारा निर्देशांक होगा वो 1 और 5 है, तो इसमें हमें 1 और 5 को दिखाना है, तो 1 ये रहा और 5 ये रहा y का, यानी कि यहाँ पर जो है निर्देशांक हमारा मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, लिख देते हैं 1 और 5 का निर्देशांक है। इसी तरह से दूसरा है 0 और 0, तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप 0x का यहीं पर और y का भी 0 यहीं पर आएगा, इसीलिए दूसरा निर्देशांक हमारा यही हो जाता है 0 और 0 का। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे दोनों जो है निर्देशांक हमने दिखा दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक यहाँ पर ऐसे हम लाइन खींचकर ऐसे दिखा देते हैं, और ये हमारा जो है ये यहाँ से इस तरह से हम इसको दिखा देंगे, और जो है समीकरण क्या है हमारा y बराबर 5x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 5x। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने यहाँ पर आलेखीय निरूपण किया। अब हमें इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, पहला है कि इसमें हमें क्या करना है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो इसका कार्य ज्ञात करना है हमें इस आलेखीय निरूपण से। तो दोस्तों पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी कि यहाँ से x पर हम चलेंगे 2 मात्रक तक यानी यहाँ तक, तो हमें ज्ञात करना है y यानी कि कार्य। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर हम सीधा चलते जाएं तो जहाँ पर भी ये जो है ये वाली लाइन ये मिल जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं 10 पे, तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा 10। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का आंसर कि दूरी अगर हमारा जो है वो 2 मात्रक चला जाता है तो कार्य कितना आ जाएगा हमारा 10 मात्रक। तो ये तो हो गया इसका पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग हमें कितना दिया गया है, अगर दूरी 0 मात्रक है तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों दूरी 0 मात्रक कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अगर दूरी 0 मात्रक यहीं पे है तो कार्य भी कितना आ जाएगा, यहीं पे होगा, क्योंकि हमें x नहीं चला गया है तो y भी नहीं होगा, यानी कि अगर हम कहीं गए ही नहीं तो काम भी नहीं किया हमने। तो इस तरह से ये इसका, अगर दूरी 0 मात्रक है तो हमारा कार्य भी जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा दोस्तों 0 मात्रक। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, धन्यवाद।